आर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सबसे तेज खबर पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यूपी के मंसूरपुर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां 21 घंटे पहले एक बहन से राखी बंधवाकर उसकी रक्षा की कसम खाने वाले भाई ने ही अपनी बहन की मामूली सी बात पर गला काट कर हत्या कर दी। वहीं युवती की हत्या से गांव में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मिली जानकारी के अनुसार जिले के चढ़ौदा गांव में आरोपी आशीष ने अपनी छोटी बहन 20 वर्षीय कविता की मामूली विवाद में हत्या कर दी। शुक्रवार सुबह आशीष अपने माता पिता के साथ जंगल में काम करने चला गया था। घर में अकेली कविता थी। दोपहर करीब 11 बजे वो अपने माता पिता से पहले घर पहुंचा तो उसने देखा कि कविता मोबाइल पर किसी से बात कर रही है। उसने उसको पानी लाने के लिए कहा, मगर कविता ने नहीं सुना। इसी बात को लेकर दोनों में बहस हो गई। गुस्से में आशीष ने उसके हाथ पैर बांध दिए और घर में रखा चाकू उठाकर उसका गला काट दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। युवती की मौत से गांव में सनसनी फैल गई। आनंद पानम ने पुलिस मौके पर पहुंची और चाकू बरामद कर मृतका के शव को पोस्टमार्टम को भेज कर पुलिस ने हत्यारोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। ये एक गांव पड़ता है जड़ौदा मंसूरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत, जिसमें सूचना मिली कि एक लड़की है जिसकी हत्या कर दी गई है। तत्काल मौके पर थाना स्थानीय की टीम पहुंची, सीओ साहब पहुंचे, हम पहुंचे और फोरेंसिक यूनिट से इसका पूरी घटना का वहां से साक्ष्य संकलन किया गया और इसमें बात सामने ये आई कि इसका भाई ने ही इसका मर्डर किया है और इसके आधार पर टीम लगाकर इसके भाई की गिरफ्तारी कर ली गई है। इसके पिता की तरफ से तहरीर दी गई है जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और इसके भाई ने भी स्वीकार किया है कि पारिवारिक क्लेश के चलते मैंने अपनी बहन को मार डाला है।